गाइस लास्ट व्लॉग को बीच में एंड करके ये व्लॉग स्टार्ट करने की वजह कुछ ऐसी है, क्योंकि लास्ट वीकेंड जब मैंने ऑडियो अडैप्टर का व्लॉग जब मैं शूट कर रहा था तो फुटेज उड़ गया था। बट उसके बाद भी मेरे दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा था, बट उसको पूरा करने से पहले ही उस वीकेंड मुझे एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए न्यू बॉम्बे जाना पड़ा। बट न्यू बॉम्बे जाना मुझे इतना भारी पड़ गया कि मैं राइड का जो प्लान था 1 जन को राइड को मैं निकलने वाला था, वो प्लान ही फ्लॉप हो गया। सो न्यू बॉम्बे में उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद मुझे मालूम गिरा कि बाइक का टायर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम है। सो उस टायर प्रेशर को मैं जस्ट चेकअप करने के लिए पंचर वाले के पास लेके गया, और पंचर वाले ने मतलब आगे क्या कहा और आगे की कहानी आप वीडियो में ही देख लो। सो आखिर में वही हुआ जो होना था। सो मेरा जो प्लान है वो पोस्टपोन्ड हो गया, और जो लास्ट शॉट में मैं बात किया था उसको 1 वीक हो चुका है। सो लास्ट शॉट में मैंने जैसे कि कहा था कि कुछ चेंजेस मैं करवाने वाला हूँ बाइक के साथ, तो वो तो होने से रहे। सो सरप्राइजिंगली अपने को एक खर्चा बढ़ गया बाइक में, और ये लास्ट वीक में क्रिसमस वाले वीक में मैं फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए न्यू बॉम्बे गया था। सो न्यू बॉम्बे यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। सो वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने टायर का प्रेशर देखा तो बहुत कम हो गया था, मतलब ख़त्म नहीं हुआ था बट हाफ हो गया था। मतलब यहाँ पे 35 कुछ PSI डलता है तो उसका 22 हो गया था। सो टायर वाले के पास गया, वहाँ पे चेक किया तो उसने कहा कि पंचर वाले ने कहा कि रिम को बेंड आ गया और वहाँ से ही एयर लीक हो रही है। सो लेंथिंग वाले के पास लेके जाना पड़ेगा। सो वहाँ से मैं गया लेंथिंग वाले के पास, जो लोग ठीक करते हैं लेंथ ठीक करते हैं। सो उसके पास जाके गैस वेल्डिंग करके उसने पूरा रिम को पहले गर्म किया, फिर उसको ठोका बराबर से, मतलब उसका लेंथ एकदम परफेक्ट कर दिया। फिर मशीन पे उसने चेक किया कि परफेक्ट है क्या। उसके बाद काम तो परफेक्ट हो गया, पर रिम का जो कलर है वो पूरा जल गया, जलने की वजह से ब्लैक से वाइट हो गया, ग्रे हो गया एकदम। मेटल का जो कलर है एक्चुअली वो रह गया। सो वहाँ पे भी अपने को उसका भी कुछ काम करवाना है, स्टिकरिंग वगैरह सोचा है। लेंथ वाले के पास से निकल के मैं पंचर वाले के पास वापस गया टायर लगवाने के लिए, क्योंकि उसी ने खोल के दिया था। और लेंथ वाले के पास जाने से पहले टायर निकाल के लेके जाना पड़ता है, और टायर निकालने का काम पंचर वाला ही करता है, निकालने का और लगाने का सिर्फ वो लोग लेंथ का काम करते हैं। टायर प्रेशर वाले के पास से गया, फिट किया पूरा। इस प्रोसेस में मेरे को 2 घंटे लग गए, और शादी का भी टाइम था उसमें ही मेरे ये सब काम निकल गया। सो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था मेरे को। सो वहाँ से जाने के बाद वापस मैं टायर वाले पास गया, उसने हवा भरा, वापस निकला मैं। वापस निकलने के बाद वापस हवा कम हो रहा था। सो मैं वापस टायर वाले के पास आया, फिर वो कहने लगा कि एक्चुअली तुम्हारे टायर का ही प्रॉब्लम है। रुको मैं कहीं पे, तो साइड में लाइट में खड़े रहते, फिर दिखा दो टायर की हालत देखोगे तो आपको भी बुरा लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो चीर है, ये जो लंबी लाइन दिख रही है, ये पूरे टायर पे ये है, पूरे टायर पे आ गई है। और अगर सेकंड अगर कोई और जन एक जन और बैठ जाता है, अगर डबल सीट अप चलाते हो तो ये पूरा दब के यहाँ पे गैप दिखता है। मैं दिखाने के सो ये गैप बढ़ जाता है, और वहाँ से ही एयर लीक हो रही है ऐसे उसने कहा। और ये रिम जो है इसका कलर निकल गया, यहाँ पे एग्जिट डेंट आया था सो वो निकाला मैंने। और आगे का टायर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ये जो लेवल रहता है इधर तक ही चलाना रहता है, सो यहाँ पे भी ये लेवल तक पहुँच गया है। सो ये भी चेंज कराना ही था। ओ इसमें पंचर है, कान का कुछ तो घुसा है इसमें, अभी इसको निकालता नहीं हो। वैसे भी इसका दिन आज का दिन ही है, लास्ट दिन, अच्छा हो गया। सो टायर वाले ने कहा कि टायर तो चेंज करना ही है वापस से। सो अभी फाइनली 5 साल कंप्लीट होंगे अभी बाइक को। लास्ट वीडियो में शायद मैंने कहा कि हो गए हैं,
नहीं, बट अभी कंप्लीट होएंगे अप्रैल में, 3-4 महीनों में। MRF के मेरे को टायर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका जो फैट सरफेस रहता है उसकी वजह से बेंड्स वगैरह बहुत अच्छे से लग जाते हैं, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ गया, बहुत अच्छे से चले। वो तो उसका टायर का एजिंग हो गया था इसलिए वो लीक कर रहा है, उसके अलावा तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं टायर मेरे। सो सेम जैपर ही लूँगा मैं, MRF जैपर ही लूँगा। सिर्फ चेंजेस ये करने वाला हूँ कि अभी मेरे पीछे के टायर का जो साइज़ है वो है 140/60/17। जो नेक्स्ट अभी आज मैं डलवाने जा रहा हूँ वो वाला टायर का नंबर है कुछ 140/70/17। सो इससे क्या होगा, इसमें उसमें और इसमें फ़र्क ही है, और आगे का जो है वो एग्जैक्ट जो जैसा है वैसे ही डलवाने वाला हो, उसका सीरियल नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। सो 17 और 16 में डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे जो 10 का डिफरेंस है उससे क्या होता है कि टायर का जो हाइट रहता है ती है मतलब रिम से लेकर ज़मीन तक जो हाइट वाइज रहती है, सो उसमें 10 mm या सेंटीमीटर ज़्यादा रहता है सो उसका हाइट, सो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब इसमें एयर प्रेशर कम रहता है और ज़्यादा वजन डाल के अपन चला रहते हैं सो उसमें फोल्ड गिरता है, और उस वजह से वहाँ पे वो जो दरार आपको आपने देखी वो गिरना चालू हो जाती है एक टाइम के बाद। ऐसे नहीं कर रहा कि स्टार्टिंग से ही गिरती है, एक टाइम के बाद एजिंग होने के बाद जो कि वो ख़राब होना ही है वो टाइम पर गिरती है। सो उसके लिए मैं वो 10 इंच ज़्यादा बड़ा टायर डालने वाला हूँ, और उसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा और बड़ा दिखेगा। विथ वाइज उतना ही रहेगा बट हाइट में उसका थोड़ा 10 इंच तो ज़्यादा रहेगा। वल्ले या केशवा टायर्स नाम है उसका। सो वहाँ पे जा रहा हूँ, सो उनको मैंने कॉल किया था दोपहर को ही ऑफिस से। सो उन्होंने कहा कि उनके पास 2 ऑप्शन है, एक बटन टायर है और सेकेंड है जो फ्लैट जैपर जो आता है। मैं अब जैपर ही प्रीफर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बटन टायर ज़्यादातर क्या है ऑफ रोडिंग में काम आते हैं, और अपने से ऑफ रोडिंग ज़्यादातर होती नहीं है। हाँ, बल्कि अपना इंडिया के रोड ज़्यादातर ऑफ रोड ही है, बट फिर भी हाईवेज पे वगैरह जैपर चल जाते हैं, और जैपर ऑफ रोडिंग को भी अच्छे खासा चल जाता है, अच्छा खासा परफॉर्म करता है। सो मुझे यही टायर चाहिए। सो मुंबई में ठंडी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब मुंबई की ठंड सेल्सियस कम दिखाता है, कम सेल्सियस दिखाता है, 25 बट बहुत ज़्यादा फील होता है। सो बस ये अभी अपने को राइट मारना है, और सर्विस रोड पे ही वो टायर का शॉप है, सो वो ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर से है MRF के, सो उसके लिए उनके तार उनके पास से ही डलवा रहा हूँ मैं। सो ये प्रॉब्लम की वजह से राइड कैंसिल तो नहीं होगी, कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है मैंने उसके लिए, बट बजट के वजह से थोड़ी पोस्टपोन्ड हो सकती है। राइड जो है कुछ भी कंडीशन में अपने को करनी है। ओके, शायद यहाँ पे नहीं, यहाँ से कुछ 150 मीटर ही है, एड्रेस देख रहा था और इसका क्लोज का टाइम 8 PM लिखा है और 7:36 हो रहा है। सो अभी बंद ही होने वाला है, सो मैं 7 बजे छूटा था ऑफिस से, तो चलो फटफट जाते हैं, 20-25 मिनट का ही काम है, बट टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी है। रहा दुकान, अभी चलते हैं अंदर। सो इन लोग के पास फ्रंट टायर अवेलेबल नहीं था, सो वो शायद अपने को बाद में आके डालना पड़ेगा, बट अभी अब एग्जैक्ट अपना एयर लीकेज का जो इशू आ रहा है वो सॉल्व करने के लिए तो मेरे को पिछला टायर डलवाना ही पड़ेगा। तो अपना एच आई अच्छा जास्त लगते की तेवढी ह्याच्यात किती PS आहे? 32। एक मिनट, एंगल तो बराबर है, लेंस पे कुछ गंदा तो नहीं है, बैग बंद कर दे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल के सीन के बाद ये अगले दिन का सीन है।
आज तारीख है 3 जनवरी 2021। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। जब मैं लेंथिंग का काम करवा के लाया तो गैरेज वाले को दिखाने के लिए लेके गया था, तो उसी ने कहा था कि बिपिन जो अपना सर्विस का वीडियो जिसके साथ बनाया था, जिसने सर्विस की थी अपनी बाइक, सो उसने कहा कि लेंथिंग का काम अपने यहाँ से उधर वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ और बहुत सस्ते में हो गया और प्रोफेशनल तरीके से हो गया, क्योंकि अपने यहाँ पे 800-850 रुपये लेते हैं कंपेयर टू वहाँ 350 रुपये लिए मेरे से, और काम भी परफेक्ट करके दिया और टाइमिंग में 1 घंटे के अंदर कर दिया, बल्कि यहाँ पे 8-8 घंटे तक ये लोग रिम लेके रखते हैं और शाम को आने को कहते हैं। सो फार सो गुड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो अपने को अगला टायर भी चेंज कराना है, सो वो उस दिन वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, सो आज ट्राई करेंगे कि ऑफिस से छुट्टे ही वो वाला भी टायर डलवा दे, क्योंकि एक मिनट रुको आपको दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम चालू है। सो इसकी ये जो लेयर दिख रही है ये भी ख़त्म हो चुकी है, और प्लस यहाँ पे उस दिन ही मैंने देखा था कि एक पंचर है, क्या है, खिला है या ये मुझे कुछ इयररिंग्स लग रहा है। कुठे है? मी पण आता गोकुळ आनंदला आहे, आलो चल 2 मिनिटात। अमोल की गाडी पे काम चल रहा है, तब तक टायर डलवा के आ जाते हैं। गाडी कुठे आहे? राइड तो कोई भी कंडीशन में होके ही रहेगी, कि बहुत ज़्यादा प्लान किया है मैंने इसके लिए। सो अगर ये टायर का काम नहीं निकलता था शायद मैं अभी तक वो राइड पे होता था। ठीक है, होता रहता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मुझे राइड में कुछ प्रॉब्लम फेस करने मिलते उससे अच्छा तो है अभी सब हो गया, और आने वाली राइड बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आप। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्टेंट आने वाला है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और भी सारे वीडियोस पड़े हैं अपने चैनल पे पहले के ट्रैवल के, सो वो भी जाके चेकआउट कर लो अगर नहीं देखा रहेगा तो। सो अभी के लिए वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं, अभी डायरेक्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो डेफिनेटली राइड के वीडियो होने वाली है। अगर बाइक में कुछ चेंजेस नहीं करवाता तो डायरेक्ट वही वाली राइड वाली वीडियो होने वाली है, अगर बाइक में चेंजेस करवाता हो तो उसकी शायद मैं वीडियो बनाऊँगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, और आपके फ्रेंड्स में किसी को इस तरीके का कॉन्टेंट पसंद होगा तो उनको ये चैनल सजेस्ट करो और सब्सक्राइब करने को कहो। सो तब तक के लिए बाय बाय।